और ये है कि के कविता ने जो खुलासा किया है उसके आधार पर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जाएगी और ईडी जो के कविता ने जानकारी दी है, जो खुलासा किया है, उनसे जुड़े हुए सवालों को लेकर अब केजरीवाल से पूछताछ करेगी। उनसे सवाल पूछा जाएगा कि के कविता और साउथ लॉबी के साथ मिलकर जो नई पॉलिसी, जो नई आबकारी नीति बनाई गई, नई एक्साइज पॉलिसी बनाई गई, उसमें उनका क्या रोल था और इसके ये जो आरोप लग रहे हैं कि 100 करोड़ से ज्यादा की का किकबैक दिया गया, घूस दिया गया, उसमें उनकी क्या भूमिका थी। अनुज का रुख करते हैं। अनुज बताइए, क्या क्या लग रहा है आपको कि बातचीत आज जो पूछताछ होगी उसमें और कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब ईडी जानना चाहेगी अरविंद केजरीवाल से। जी, जहां तक ईडी की बात किया जाए तो जो ट्रांजेक्शन पैसों का हुआ है उसको लेकर सवाल जवाब जो है वो किए जाएंगे। साथ ही साथ जो ये पॉलिसी बनाई गई, लागू की गई, जिस तरीके से बयान सामने आया था मगुंटा श्रीनिवास सुलू का, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि उनकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल से हुई थी और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि इस शराब नीति के लिए के कविता ने भी उनसे संपर्क किया था, वो के कविता से बात कर ले, जिसके बाद कहीं ना कहीं पैसों का ट्रांजेक्शन हुआ और खासतौर पे इस ट्रांजेक्शन के बाद ही साउथ लॉबी को ट्रांजेक्शन दिया गया 25 करोड़ रुपए और उसके बाद 100 करोड़ रुपए का किकबैक जो है वो मिलता है आम आदमी पार्टी को।